वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। अमेरिका लंबे वक्त से मिनट मैन 3 को लॉन्च करने के लिए इंतजार कर रहा था। पहले रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ और फिर उसके बाद चीन ताइवान के बीच में तनाव बढ़ा। दो बार ऐसा हुआ जब अमेरिका को अपना ये लॉन्च स्थगित करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने अब अपना ये परीक्षण पूरा कर लिया। क्या है मिनट मैन 3 और कैसे काम करता है ये, आगे आपको बताएंगे। रूस यूक्रेन और फिर चीन ताइवान के बीच तनाव के चलते दो बार अमेरिका के मिनट मैन 3 मिसाइल का टेस्ट लॉन्च स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ICBM परमाणु सक्षम मिसाइल है जो दुनिया भर में कहीं पर अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। अमेरिका ने मंगलवार को लंबी दूरी तक वार करने वाली मिनट मैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके दिखाया है। इस दौरान आसमान में एक तेज रोशनी दूर तक दिखाई दी। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि परीक्षण सफलतापूर्वक रहा। दरअसल पहले रूस यूक्रेन और फिर चीन ताइवान के बीच तनाव के चलते दो बार ये टेस्ट लॉन्च स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अमेरिका ने कहा कि लॉन्च को पहले टाल दिया गया था ताकि चीन इसे किसी और तरह से ना समझ ले। बता दें कि चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। उधर US स्पीकर नैन्सी पेलोसी और अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल की ताइवान यात्रा के बाद चीन चिढ़ा हुआ है। उसने तभी ताइवान को घेरकर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी थी। अब चीन ने ताइवान के आसपास अपनी लाइव मिलिट्री ड्रिल को और ज्यादा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और खुद ताइवान ने भी इसकी पुष्टि की है। बात अगर अमेरिका के मिनट मैन 3 मिसाइल की करते हैं तो इसे लेकर अमेरिका लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था, लेकिन पहले रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ युद्ध और फिर चीन ताइवान के बीच में बढ़ा तनाव इस बात का संकेत थे कि रूस और चाइना इसे गलत तरीके से ले सकता था। यही कारण है कि अमेरिका ने इसे स्थगित करने की बात कही। अब आपको बताते हैं कि मिनट मैन 3 है क्या और इसकी खासियत क्या है। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर बताया कि परीक्षण अमेरिकी परमाणु बलों की तत्परता को दर्शाता है और देश के परमाणु निवारक की घातकता और प्रभावशीलता में विश्वास प्रदान करता है। अधिकारियों के अनुसार मिसाइल ने 15,000 मील यानी 9,660 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से तकरीबन 4,200 मील मतलब 6,760 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर लक्ष्य को सटीक रूप से टारगेट किया। ICBM परमाणु सक्षम मिसाइल है जो दुनिया भर में कहीं पर भी अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक रफ्तार के कारण इस बैलिस्टिक मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस के जरिए रोकना बहुत मुश्किल है। इस मिसाइल को जमीन में बने अंडरग्राउंड साइलोस में रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई इस मिसाइल के बारे में, लेकिन इसे लेकर चीन ताइवान और रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है वो भी गहरा रहा है। हालांकि इसे लेकर चीन और रूस ने कुछ खासा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बात अगर चीन ताइवान को लेकर बढ़ रहे तनाव का करें तो इसे देखा जाए तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसके बाद से हलचल मच गई है और खासतौर पर अमेरिका की बढ़ती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिलचस्पी इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय के लिए वो अपनी मिसाइलों के जरिए से कैसे चीन और रूस को एक संकेत देने की कोशिश भी कर रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।